हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्केचअप में सॉलिड टूल के बारे में। सभी टूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी रिगार्डिंग सॉलिड टूल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिखेगा आपको सॉलिड टूल। आप इसको यहाँ से ना दिखे तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी सॉलिड टूल्स को लेके आ सकते हैं, या फिर व्यू पे जाके टूल बार्स पे क्लिक करके भी आप यहाँ से सॉलिड टूल्स को लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये आने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे जो इसके अंदर ऑप्शन है, सबसे पहले होता है आउटर शेल, देन इंटरसेक्ट, देन यूनियन, देन सबट्रैक्ट, ट्रिम एंड उसके बाद स्प्लिट होता है। ये छह के छह टूल किस तरीके से काम करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी नीड हमें कहाँ पे पड़ती है। अब मान लो मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मान लो मैंने पुश कर दिया। पुश करने के बाद अब क्या है कि मान लो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना दिया और मैं अब इसे अगर पुश करता हूं पीछे वाले सरफेस तक, तो ये आपको पता है कि वो इसको कट कर देगा। इतना सबको आइडिया है। बट अगर क्या हो कि मान लो मैंने इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करके इसको पीछे मूव कर दिया, अब ये वाला सरफेस अलग है, ये वाला सरफेस इक्वल पैरेलल पोजीशन पे नहीं है। तो अगर मैं अब रेक्टेंगल बना के इसको पुश करूंगा पीछे वाले सरफेस तक, तो ये कट नहीं कर पाएगा उसे, क्योंकि उसको सरफेस ही नहीं मिलेगा। अगर इस पे करते हो तो ये थोड़ा आगे की तरफ एक्सट्रूड कर देगा। तो ये सिचुएशन तब होती है कि जब आपका इक्वल प्लेन हो दोनों साइड, तभी ये इस चीज को कट कर पाएगा, वरना ये नहीं कर पाएगा। बट अगर हमें अभी कट करना है तो हम इसको किस तरीके से कट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सॉलिड टूल्स को। और सॉलिड टूल तभी यूज होंगे जब आपके पास कोई एक ग्रुप होगा या फिर कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके मैंने इसको ग्रुप बना दिया। अब मेरे पास एक ये सॉलिड है और इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसको मान लो मैंने पुश कर दिया और इसको मान लो मैंने इसके बीच में यहाँ पे रखा। बीच में रखो या पीछे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको भी आपने राइट क्लिक करके ग्रुप बना दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मेरे को इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट को अब सब्ट्रैक्ट करना है या यूनियन करना है, तो उसकी हेल्प से, इन सब सॉलिड टूल्स की हेल्प से हम इस चीज को यूज करेंगे। तो सबसे मेन टूल इसके अंदर है वो है सबट्रैक्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। बाकी सब टूल क्या क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सबट्रैक्ट टूल को ही यूज कर लेते हैं। तो इसमें से ये वाला माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे विदाउट एनी क्लिक। मान लो सॉलिड पे मैंने कोई क्लिक नहीं किया, अब मैं क्लिक करूंगा सबट्रैक्ट पे। क्लिक ऑन सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद पहले उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो जिस ऑब्जेक्ट को आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ये वाले ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट करना है, दिस इज ऑब्जेक्ट वन, और फिर क्लिक करो इस पे जिस ऑब्जेक्ट में से सबट्रैक्ट करना है, दिस इज सॉलिड टू। तो क्या होगा, सॉलिड टू में से सॉलिड वन आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरीके से आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सॉलिड होना चाहिए। अगर मान लो आपने ये सर्कल भी बनाया यहाँ पे और इसको आप पुश करते हो और इसको आप मूव कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, और राइट क्लिक करके ग्रुप, मूव ना भी करोगे तो भी चलेगा। ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप कर दिया। अब मैं सॉलिड टूल यहाँ से सबट्रैक्ट लेता हूँ, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेके इसको सेकंड लोगे तो ये इसमें से माइनस कर देगा। इस तरीके से ऐसे नहीं करना, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर सबट्रैक्ट टूल, पहले इस ऑब्जेक्ट को फिर इस ऑब्जेक्ट को, तो आपका वहां से होल कर देगा। ठीक है, अब सबट्रैक्ट टूल की रिक्वायरमेंट और कहां पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्कल है और इसको मैंने पुश कर दिया, अब इसमें से मेरे को होल करना है, तो इस सरफेस पे तो मैं कुछ बना ही नहीं पाऊंगा इस तरीके से, ना ये सरफेस मेरा यहाँ से पुश पुल हो पाएगा। तो बेसिकली मैं इसको अब ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप बनाने के बाद एक सर्कल लूंगा यहाँ पे ग्रीन एक्सिस पे मान लो, और इसको मान लो मैंने पुश कर दिया, ऐसे ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको भी ग्रुप बना दिया और इसको मान लो मैंने मूव कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट टूल लूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। या फिर इसका अदर ऑप्शन क्या है कि पहले आप इसको सिलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट वन को, अब सबट्रैक्ट पे क्लिक करो, अब आपको सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका मेन टूल जो आपका सबट्रैक्ट है। अब बाकी टूल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से सारे काम करेंगे, विद प्रूफ दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे आपका काम यहाँ पे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये लिया, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसको मान लो मैंने ग्रुप बना दिया
और एक रेक्टेंगल वही सेम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसको मान लो मैंने पीछे की तरफ पुश किया और इसको मैंने हल्का सा मूव कर दिया और इसको भी ग्रुप कर दिया और इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके। मान लो इसकी मान लो मैंने चार पांच कॉपी कर ली, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस पे काम करने वाला हूं, तो सबसे पहले आता है आउटर शेल। आउटर शेल की बात करेंगे हम बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सरे ऑन कर लेता हूँ, तो आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो बचेगा, बाकी हट जाएगा। सिंपल सा टूल है, आपको दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका बच जाएगा, बाकी आपका यहां से हट जाएगा, क्लियर है। सेकेंड टूल आता है यूनियन टूल। यूनियन और आउटर शेल थोड़ा सा सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है ये मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। यूनियन क्या होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लो मैं दोनों पे क्लिक करके यूनियन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कवर कर दिया, तो बीच वाला पार्ट था जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था, क्या किया उसने, इन दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कवर कर दिया और एक आउटर बाउंड्री यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्ट। यूनियन सब्ट्रैक्ट मैं बता चुका हूं। अब दो चीजें बचती हैं, ट्रिम और स्प्लिट। ट्रिम और स्प्लिट क्या करेगा, ट्रिम और स्प्लिट क्या करेगा, बेसिकली इसने क्या किया, दो ग्रुप को एक सिंगल ग्रुप बना दिया, दो एंटिटी को एक सिंगल एंटिटी बना दिया। ये क्या करेगा, अगर आप यहां से ट्रिम करते हो, मान लो आपने ट्रिम पे क्लिक किया, फर्स्ट आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट ये लिया, एक ऑब्जेक्ट आपने ये ले लिया, नहीं, उस पर क्लिक करके नहीं करना, इस पे क्लिक करो ट्रिम पे। अब एक ऑब्जेक्ट आपने ये लिया सॉलिड, मान लो ये, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट आपने ये लिया। इसने बेसिकली क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को भी रखा, इसको भी रखा। अगर आप इसको मूव करते हो तो आप देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखा है, बट यहां से इसने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट, दोनों एंटिटी रखी है, बट इसने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, ये याद रखना, ठीक है। और अगर आप करते हो इसको स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, अगर आपने स्प्लिट पे क्लिक किया पहले इस पे फिर इस पे, नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं होना चाहिए, स्प्लिट पे क्लिक करो, फर्स्ट इस पे सेकंड इस पे किया, तो इसने क्या किया बेसिकली, इसने इस ऑब्जेक्ट को भी रखा, इस ऑब्जेक्ट को भी इसने कट कर दिया, और जो कटिंग का आपका ऑब्जेक्ट था तीसरी एंटिटी वो भी इसने रखी। तो इस तरीके से इसने इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी किया, और वो आपका इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो भी इसने रिमेनिंग रखा यहाँ पे। तो ये काम करता है स्प्लिट। तो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा नीड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की ही होती है, तो जो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि आपका आउटर शेल क्या होता है। आउटर शेल के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो एक रेक्टेंगल यहाँ पे लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ऑफसेट ले लिया इस तरीके से। ऑफसेट लेने के बाद मैंने क्या किया, एक बीच में दो रेक्टेंगल्स ले लिए कुछ इस तरीके से, और मैंने क्या किया, पुश पुल कर दिया इस पार्ट को यहां तक, इसको भी यहां तक, और इसको भी यहां तक। ये तीन मेरे पास इस तरीके से पार्ट आ गए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा मूव किया यहाँ पे और इसको एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास इसके ऊपर, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से और इसको पुश कर दिया, और ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको भी एक ग्रुप बना दिया और इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको एक्सरे वे में लेके जाता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको यूनियन करता हूं तो किस तरीके से यूनियन रिएक्ट करेगा, कि दोनों को सिलेक्ट किया और यूनियन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या किया इसने, इसने बाउंड्री को देखो, अटैच बाउंड्री को आपस में मिला दिया, और जो अंदर वाली बाउंड्री थी वो भी एज इट इज इसने रखी। यही काम करता है यूनियन की, अटैच कर देगा दोनों ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बट अगर मैं सेम चीज आउटर शेल से करता हूं, अगर मैंने दोनों को क्लिक किया और आउटर शेल पे क्लिक कर दिया, तो वो इनर बाउंड्रीज जितनी भी है सबको हटा देगा, वो आउटर बाउंड्री को शेल कर देगा, आउटर बाउंड्री को इस तरीके से कंबाइन कर देगा। ये डिफरेंस है आउटर शेल और आपका यूनियन के अंदर, जो मेन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था आपका सॉलिड टूल्स। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं से भी आप किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये था आज का टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।